हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाला, साथ ही हेल्दी मेथी मकई कबाब की रेसिपी। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने स्वादिष्ट बने, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले। ये देखिए बिल्कुल मुँह में घुल जाएगा। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे मैंने तैयार किया ये मेथी मकई कबाब। कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक मुट्ठी हरे मेथी के पत्ते। इसको मैंने अच्छे से साफ करके धो के ले लिया है। मेथी के ऊपर वाले पत्तों के साथ हमें ये सॉफ्ट वाली डंडी का भी प्रयोग करना है। साथ ही मैंने ले लिया यहाँ पे 100 ग्राम स्वीट कॉर्न और 2 ब्रेड के स्लाइस। यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो व्हाइट वाला ब्रेड भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास ब्राउन ब्रेड था तो मैंने ब्राउन ले लिया। अब इन सभी चीजों को हमें मिक्सी के जग में अलग अलग डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है बिना पानी के। तो चलिए अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मिक्सी का जग और इसमें हम डाल देंगे ये मेथी के पत्ते। बिना पानी के अब हम इसे पल्स मोड पे चला के एक बार पीस लेंगे। तो चलिए, और इसी तरीके से हम कॉर्न को और ब्रेड को भी पल्स मोड पे चला के पीस लेंगे। मैंने मेथी के पत्तों को इस तरीके से पीस लिया है। इसी तरीके से हम कॉर्न को और ब्रेड को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं सभी चीज़ों को ग्राइंड करके। तो ये देखिए, मकई को, ब्रेड को और मेथी को, तीनों चीज़ों को मैंने मिक्सी में डाल के पल्स मोड पे चला के इस तरीके से ग्राइंड कर लिए। तो अब हम ले लेंगे एक बोल और इसमें हम इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम डाल देंगे इसी में, ब्रेड क्रम को भी डाल देंगे। मेथी को भी डाल देंगे। दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिए। अब हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, इस तरीके से बारीक कटा हुआ, और साथ ही हम डाल देंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसको भी मैंने इस तरीके से काट के ले लिया। यहाँ पे अच्छे से बाइंडिंग के लिए हम डाल देंगे एक चम्मच भुना हुआ बेसन। इसे मैंने हल्का सा भून लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह मक्की के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा हमारा कबाब, और साथ ही अच्छी सी बाइंडिंग भी आएगी। अब हम इसमें स्वाद के लिए डाल देंगे एक चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों को मैंने इस तरीके से क्रश करके ले लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। साथ ही डाल देंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप चाट मसाले का प्रयोग भी कर सकते हो, और एक चम्मच ही डाल देंगे काली मिर्च, इस तरीके से दरदरी कुटी हुई। साथ ही हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सब चीजों को हाथों से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स करने से अच्छे से सभी चीजें एक दूसरे से मिल जाएंगी और इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आपको बाइंडिंग कम लग रही है तो इसमें आप एक चम्मच और भुना हुआ बेसन या कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अच्छे से मिक्स करके मिलते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। कबाब का हमारा जो मिक्सचर है वो इसी तरीके का होना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट, क्योंकि कबाब बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाते हैं। तो एक एक पोर्शन हम छोटा छोटा इस तरीके से लेंगे, जितने बड़े आपको कबाब बनाने हैं। मैं इस तरीके से छोटे छोटे गोल गोल पोर्शन में ले रही हूँ, और जैसा भी आपको कबाब का शेप देना है आप वैसा इसे बना सकते हैं। मैं गोल गोल ही बना रही हूँ, तो मैं इसे गोल कर दूंगी और हल्का सा प्रेस कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो प्रिपेयर करने के बाद अब हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स से, इसको डाल के इस तरीके से कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स से, अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। और ये लीजिए, हमारे कबाब बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं फ्राई। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल। मैं शैलो फ्राई करूँगी। तो चलिए तेल को गर्म होने देते हैं।
हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसमें एक एक कबाब डालते जाएंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। आंच को मीडियम ही रखेंगे। एक बार में जितने कबाब आ जाएंगे मैं डाल दूंगी और सभी को हम मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। अभी इसे तुरंत नहीं छेड़ना है, एक साइड से पकने देंगे फिर हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हो गया ये गोल्डन ब्राउन। चलिए इसे पलट लेते हैं अब हम। तो इस तरीके से हम पलट देंगे, ये देखिए दूसरी साइड भी कितना अच्छा कलर आ गया। तो इसी तरीके से हम सबको पलट देंगे और दूसरी साइड भी सेक लेंगे। तो ये देखिए सभी कबाब को मैंने पलट दिया है। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए कबाब हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक के तैयार हो गए। तो अच्छे से सिक गए तो चलिए इसको निकाल लेते और गर्मा गर्म इसे सर्व करते। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा गर्मा गर्म मकई मेथी कबाब बन के तैयार है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला। मैं इसको सर्व कर रही हूँ आज धनिया की हरी चटनी के साथ। आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाते हैं। तो चलिए मैं कबाब आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले बने। ये देखिए और इसे आप चटनी के साथ या सॉस के साथ किसी भी चीज़ के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और इंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी यूनिक और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।